और सबसे पहले हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत कई दूसरे नामजद आरोपियों को भी भगोड़ा घोषित किया है। यही नहीं, पुलिस अब्दुल मलिक की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पर मस्जिद और मदरसा बनाने का आरोप है। साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला करने का बेहद संगीन आरोप है। और अब अब्दुल मलिक समेत कई नामजद लोगों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। फरार दूसरे आरोपी भी भगोड़ा घोषित किए गए हैं। अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क की जाएगी। जो भी हमारे वांछित अपराधी हैं, वो चूंकि अभी गिरफ्तार जो नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ हम 83 की कार्रवाई के लिए इसमें मुख्य जो कि आप जानते हैं जो है मलिक है और अन्य लोग भी हैं। सर, 83 की कार्रवाई का मतलब क्या समझ? 83 का मतलब कुर्की होता है, जो उसकी संपत्ति, जो उसकी मूवेबल संपत्ति होती है वो पुलिस जब्त कर लेती है। अपडेट लेते हैं, शैलेंद्र नेगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कुल कितने लोग नामजद जिनको भगोड़ा घोषित किया गया और ये संपत्ति जिसके बाद हिंसा हुई थी वो भी अब्दुल मलिक की है, जिस पर मस्जिद मदरसा बना था, अब और भी संपत्ति कुर्क की जाएगी, बाकी नामजद लोगों के साथ भी क्या यही सलूक होगा? देखिए, बिल्कुल, अब्दुल मलिक के खिलाफ ये नोटिस जारी हो गया है और उनको भगोड़ा घोषित किया गया है। और इसके बाद जो है अब्दुल मलिक के साथ ही 10 और अन्य और लोग हैं जो नामजद आरोपी हैं पूरे के पूरे इस बनभूलपुरा कांड में, उन सबको जो है भगोड़ा घोषित किया गया है और पुलिस अब आगे की प्रक्रिया कर रही है। इन सबकी संपत्तियां आप कुर्क होंगी, यानी जो 83 का नोटिस है वो सर्व होगा और 83 का नोटिस सर्व होने के बाद जो है इन सबकी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, वो जिसको हम चल संपत्ति कहते हैं, वो सब इनकी कुर्क की जाएंगी। पुलिस अब इस प्रक्रिया में लगी हुई है, पुलिस प्रक्रिया में जुटी हुई है और ये देखा गया है कि 8 फरवरी की रात से ही अब्दुल मलिक जो है वो पुलिस की पकड़ से दूर है और लगातार पुलिस उसकी तलाश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के इलाके हों, हरियाणा हों, दिल्ली हों, वहां पर लगातार दलिश दे रही है, लेकिन अभी तक अब्दुल मलिक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। और इसके अलावा जो अन्य जो नामजद आरोपी हैं वो भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं और यही वजह है कि पुलिस ने कोर्ट से ये अनुमति मांगी थी कि अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित किया जाए कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, और आप अब्दुल मलिक समेत कई और लोग जो कि नामजद FIR में हैं उनको भी भगोड़ा घोषित किया गया है, सबकी संपत्ति कुर्क होगी। शुक्रिया जानकारी के लिए शैलेंद्र।